हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल DLI27। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि आज हमें निकलना है मसूरी के लिए, तो आज हम निकलेंगे मसूरी। आज का मतलब कि कल हम आए थे दिल्ली से, तो हम देहरादून में स्टे कर लिया था हमने, क्योंकि थक गया था यार बहुत ज़्यादा। सुबह 5 बजे से बाइक चला रहा था तो बहुत ज़्यादा थक गया था। तो यार आज निकलते हैं मसूरी के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अपना सामान वगैरह सब पैक कर लिया है। ये हेलमेट रेडी है, मास्क रेडी है, अपने ट्राईपॉड, पावर बैंक और बैग वगैरह सब पैक कर लिया है। बाकी सामान हमने कुछ भी नहीं छोड़ा, मतलब कि जो जो अपना था ले लिया। ये अपना रूम है, रूम मैंने कल रात को आपको दिखाई दिया था कि हाँ भाई ये रूम है अपना। तो यार अभी ना, जैसे कि आप इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि मैं मसूरी, पहले तो मसूरी घूमूंगा, उसके बाद जो वहाँ की मेन मेन जगह है ना, वहाँ पर आपको एक तो उस जगह को घुमाऊँगा, और उसके बाद आपको उसकी कॉस्ट बताऊँगा कि उसकी कॉस्ट क्या आ रही है, मतलब कि वहाँ जाओगे तो कितना खर्चा आ जाएगा, कैसे आ जाएगा, सब कुछ आपको बताऊँगा। तो यार बाइक का कोल्ड स्टार्ट ले लिया है, एक बार कोल्ड स्टार्ट दे दिया हमने बाइक को। भाई कोल्ड स्टार्ट करना ज़रूरी है यार। भाई इसमें हैज़ार्ड लगवाया था मैंने, आप हैज़ार्ड देखो इसका। और देख सकते हो यार इसकी। स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानी है मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाट तेरे नाम। भाई अपना देहरादून से मसूरी पड़ता है, टोटल अराउंड पड़ता है आपका 33 किलोमीटर। अलग वहाँ से अलग अलग रास्ते हैं, जो 3-4 रास्ते पड़ते हैं, कैसे 40 पड़ता है, कैसे 41 पड़ता है, कैसे 33 पड़ता है। तो जो मैंने रूट यूज़ करा है वो 33 वाला करा है। पीछे पीछे की साइड से एक रूट आता है, जहाँ मैं होटल में रुका था उसके होटल के बिल्कुल जस्ट पीछे से रूट आ रहा है 33 किलोमीटर का। तो यार देख सकते हो यहाँ पे ढाबे वगैरह, कैसे कुछ खाने हो तो यहाँ से खा भी सकते हो। देख रहे हो सामने व्यू भाई। तो यार पहाड़, दिल खुश हो जाता है यार पहाड़ देख के। और रोड, रोडों का तो क्या ही कहना है यार। यहाँ के चलो 40-50 पे लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बट इससे कम में कोशिश मत करना लीनिंग की। अगर डाउन हो तो 30-35 से भी होती है, बट चढ़ाई पे कम मत करना अच्छे से कोशिश। बाकी यार व्यू लो तुम यहाँ का, पहाड़ देख रहे हो भाई कितने ऊँचे ऊँचे पहाड़ है यहाँ पे, जैसे सेम बद्रीनाथ, जैसे जैसे बद्रीनाथ गए थे लास्ट टाइम, वहाँ पे देखे होंगे अपने वीडियोज़ के अंदर कि हाँ भाई कितने बड़े बड़े पहाड़ थे, सेम ऐसी है। बाकी चढ़ाई देखो यार, पूरी रोड चढ़ाई, मसूरी पूरा चढ़ाई पे। आते टाइम मेरे ख्याल से पूरा डाउन पड़ेगा, बट अभी चढ़ाई है। तो भाई मसूरी जैसे चढ़ोगे तो यहाँ पे आपको टोल देना पड़ेगा। एक बाइक का है आपका 12 रुपये, तो 12 रुपये का टोल है अपना। देखो यहाँ पे टोल कार जी 59, ये 11, दो भैया का 11 पैसे होते, मतलब 12 रुपये टोटल। तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ की व्यूज़ कहीं साइड में रोक के बाइक को एक बारी। भाई एक जगह लगा ली बाइक, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। यार व्यू देखो कितना शानदार है, ये देखो सारा का सारा पूरा देहरादून सिटी, देहरादून सब कुछ दिख रहा है यहाँ से। और आगे का रोड भी बहुत बढ़िया है, देखो सामने पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। ये अपना यहाँ से देखो यार भाई कितना गहरा है, यहाँ से नीचे देखो पूरा यहाँ से देहरादून सिटी, वहाँ कॉलेज जो भी सोसाइटी सब उधर इधर की इधर देहरादून है पूरा। यहाँ से ये दिल्ली का रोड निकलता है और अपना बेस्ट है मतलब की प्लेस। मतलब अभी यार अभी तो सिनेमेटिक शॉट भी दिखाऊंगा आपको कि हाँ भाई कितने कितने कैसे 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 जाना है, कैसे कैसे हम आए हैं। यार देखो यहाँ पे जगह जगह रेस्टोरेंट वगैरह भी है, ये अपनी बाइक खड़ी है यहाँ पे। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है? आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है। तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है? तो भाई मसूरी पहुंच चुके हैं, माल रोड ऊपर वाला है ये मसूरी। यहाँ से स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट तो नीचे से हो गया था, बाकी मसूरी मेन मसूरी हम पहुँच चुके हैं। पर्ची नहीं देता क्या?
तो भाई यहाँ पे हमने टोल दे दिया इसका अंदर जाने का। तो भाई यह है मसूरी मॉल रोड। मसूरी हम लोग जा चुके थे, मसूरी में ऐसा कुछ था तो नहीं दिखाने लायक जो मैं आपको दिखाता, सिर्फ एक रोड है, अंदर गए 100-100 रुपये दिए, मतलब कि यार अंदर जाओ, जिसको शॉपिंग शॉपिंग वगैरह करनी है वो जाओ आराम से, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं इसके उसके अंदर, खाने पीने के लिए जाना हो तो बस यही है। बाकी यार अब यहाँ पर एक जगह पड़ती है भट्टा फॉल, उसके बाद मैं वहीं जा रहा हूँ भट्टा फॉल में, देख तो यार कैसी जगह, किसने बताया कि हाँ भाई वहाँ जाओ सही चीज़ है, मतलब यहाँ से तो ठीक है मसूरी से। बाकी अभी जो बाइक चल रही है हमारी डाउन पे चल रही है पूरी, बिना मतलब कि मैंने मसूरी से लेके अभी तक इसको ऑन नहीं करा, डाउन ही डाउन पे लेके आ रहा हूँ, 30-35, 40-45 पूरी चल रही है, देखो बंद है बिल्कुल, ये देखो रेस देके दिखा रहा हूँ, बिल्कुल बंद पड़ी है, मैंने ऑन नहीं करा इसको, डाउन ही डाउन पे चला रहा हूँ। पुल का रास्ता देख रहे हो कैसा रास्ता, भट्टा पुल के पास पहुँच चुका है, एक झील है जहाँ तक सुनने में आया है, रास्ते देखो यार तुम, देखो क्या तगड़ा व्यू है यार यहाँ भाई, यहाँ पे इस टाइम पे हल्की फुल्की ठंड लग रही है, बाकी आने वाले टाइम पे मौसम खराब भी हो सकता है। तो भाइयों ये है भट्टा फॉल, देखो ये लोकेशन है, लोकेशन बड़ी प्यारी है, ये देख रहे हो पानी के छींटे यार यहाँ तक आ रहे हैं। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ ये जो रास्ता है, यहाँ पे आप मैगी वगैरह खा सकते हो, यहाँ पे मैगी पॉइंट है, मैगी पॉइंट मैगी वगैरह ये सब खा सकते हो, ये शॉप है, और यहाँ से नीचे देखो भाई यार फ्रेंड लोगों के साथ आओगे तो फुल एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे अपना। तो भाई देख सकते हो भट्टा फॉल के अंदर जाते हैं, पैंट वेंट हमने सब समेट लिया है, भाई पूरा कैमरा ब्लर कर दिया यार इसने तो, भाई यार मसूरी से पहुंच चुके हैं, यहाँ हमारा एक भाई रहता है रिजॉर्ट में, तो उसी के पास आए हैं, उसी से कल उसके साथ थोड़ा प्लान करेंगे आगे, कुछ बढ़िया बढ़िया शॉट्स और सीन्स लेंगे कल, ये अपनी बाइक है भाई, मैं दिल्ली से लेके अभी तक आया हूँ, मैं बताता हूँ, मैं मसूरी असूरी सब घूम के आ गया, मैंने यहाँ पर एक जगह पढ़ के सोनल करके, सोनल वहाँ पर मैंने डलवाया 781 रुपये का तेल, तो मेरा दिल्ली से लेकर मसूरी घूम घाम के सारा 781 रुपये का तेल लगा है बस, जिसमें से अभी एक चेन को लूप करना है, इसकी चेन थोड़ी गंदी हो रही है, बाकी यार गाड़ी ने हीटिंग पर हमने कोई नहीं दी, बाकी मैं धुएं की बात कर रहा था, तो अभी तक मैंने भगाई है, ये देखो इसमें इंजन ऑयल भी फूक रहा है, देखो इंजन ऑयल फूक रहा है, इंजन ऑयल भी कम नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं यार, धुआं दे नहीं रही अभी फ़िलहाल, अभी तक तो ठीक है। तो यार अब सीधा अब थोड़ा जब थक गया हूँ यार मसूरी से काफ़ी आके, तो अब सीधा चलते हैं, और कल जब जाएंगे एडवेंचर के लिए तो ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।